गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। और अभी सुनते सुनते आपको आदत हो गई होगी कि मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर मैं बोलूंगा दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। एक फॉर्मेलिटी है जो मैं करता हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट थिंग हियर। दिस इज सुपर 60 प्रैक्टिस सेट नंबर थ्री। यानी दो सेट्स ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है और निश्चित उसके बेनिफिट्स होंगे और आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसका फायदा मिलेगा। फॉर सेजियर सीएचएसएल एमटीएस एंड अदर एग्जाम्स आर वन डे एग्जाम्स, उन सब में ये चीजें आपके काम आएंगी। चलिए सीधे शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन पहले आप देख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं विद एक्सप्लेनेशन। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। Abusing his wife is worse than any sin a man can commit in all his life. Abusing his wife यानी अपनी पत्नी को गालियां देना, घोषणा, is worse, ज्यादा बुरा है than any sin, किसी भी अपराध से a man can commit, जो एक अपराध एक आदमी कर सकता है in all his life, अपने पूरे जीवन में। A B C D जो भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल्स कैन बी हैमर आर पेश परमानेंटली आउट ऑफ शेप विदाउट ब्रेकिंग आर क्रैक। मेटल्स कैन बी हैमर आर पेश परमानेंटली, यानी जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, उन्हें हैमर किया जा सकता है, उन्हें पेश किया जा सकता है परमानेंटली, हमेशा के लिए, आउट ऑफ शेप यानी उनके शेप को इधर उधर चेंज किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग आर क्रैकिंग, बिना उन्हें तोड़े हुए या बिना उनमें दरार पैदा किए हुए। तो ए में, बी में, सी में या नो इट। मेटल्स कैन बी हैमर्ड आर पेश परमानेंटली आउट ऑफ शेप विदाउट ब्रेकिंग आर क्रैकिंग। ये टेस्ट आपके एक तरह से चल रहा है और आपके आसमानी का एक समय है खुद को कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं। थर्ड कॉमन एरर। इन 19वीं शताब्दी में एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च यानी एस्ट्रोनॉमी से संबंधित जो रिसर्च थी, बस फोकस ऑन, देखिए तीसरी बार फोकस ऑन आ रहा है, बस फोकस ऑन द रूटीन वर्क ऑफ कंप्यूट द मोशंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के मोशंस को कंप्यूट करने का जो रूटीन कार्य था उसी पर फोकस दिया जा रहा था। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में कब, इन 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी। ए में एरर है, बी में एरर है या सी में एरर है या नो एरर है। ओके, सेंटेंस फिलर क्वेश्चन नंबर 4। यू आर वेलकम टू पार्टी डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। ये प्रीपोजिशन पर फिल इन द ब्लैंक है कि क्या आएगा, पार्टेक इन, पार्टेक फॉर, पार्टेक एट या पार्टेक ऑफ, क्या होता है, इसी आना चाहिए आप। वी हैव रन डैश सुगर, कुड यू बाय डैश, क्या होगा। एक आंसर आप कर लेंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि यहां डाउन ऑन है, यहां पे अवे फ्रॉम है, यहां आउट ऑफ है, सॉरी यहां ओ यू टी रहेगा, आउट ऑफ है, सॉरी ये रोज का होल्डर है, लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है पावर ऑफ हो जाती है, एक मिनट। ओके, तो यहां ओ यू टी रहेगा, आउट ऑफ होगा या ऑफ फेड होगा, एक आपको चूज करना है। वी हैव रन डैश सुगर, एक चूज कर लिया आपने, आप कर लेंगे। ओके, सिनोनिम्स आपके हैं सेलासिडी, सेलासिडी मींस अगर आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका सिनोनिम ब्लिस होगा, करप्शन होगा, डिप्रेशन होगा या इनडिसेंसी होगा। ओके, टेनेसिटी अगर इसकी मीनिंग आप जानेंगे तो आप जानेंगे एबिलिटी होगा, डिस्पेयर होगा, इष्टपॉर्डनेस होगा या रफनेस होगा। टेनेसिटी
एंटोनिम्स हमारे सामने हैं। सेसेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आजमाया गया। सेसेशन का एंटोनिम कमेंसमेंट होगा, ऑनगोइंग होगा, रिन्यूअल होगा या इंटरप्शन होगा। एंटोनिम है प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का एंटोनिम एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सक्लूड होगा, एक्सपेडाइट होगा या डिले होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस, गिव वन सेल्फ द एयर। अब इसका अर्थ आपको बताना है कि गिव वन सेल्फ द एयर का अर्थ क्या होगा। इंसवाइस बेइंग होगा, ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट दैट ही इज, या प्रिटेंड टू बी होगा, या बोस्ट ओवर द फैक्ट दैट ही इज, क्या होगा? गिव वन सेल्फ द एयर। ओके, अगर आपको आ रहा होगा तो आपने कर लिया होगा, नहीं आ रहा होगा मैं सारे सॉल्यूशंस आपको दूंगा। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट इंपॉर्टेंट है। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का टू मेक मोर पैलेटेबल होगा, पैलेटेबल स्वादिष्ट को कहते हैं। टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ होगा, टू मेक समथिंग मीनिंगफुल होगा, या टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग होगा। मिसगिविंग मीन्स संदेह, या इस तरीके की चीजें जहां पे आपको डाउट है, क्या होगा? ये लाइट ऑन कर दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ओके, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। एक मिनट, हो जाता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 12 पे, देयर आर सम पीपल हु डाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनीथिंग दे सी इन अ न्यूज़पेपर। यानी जो कुछ भी वो न्यूज़पेपर में देखते हैं उस हर एक चीज पर उन्हें डाउट होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे उसको उनको डाउट होता है। क्या होगा? पॉसिबिलिटी क्रेडिबिलिटी के स्थान पर होगा, वेरासिटी होगा या एग्जिस्टेंस होगा, या क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी जहां पे सही है, नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ ब्लड शेड कुड हैव बीन डैश सेव्ड, सेव्ड यहां पे, हैड द एडमिनिस्ट्रेशन टेकन टाइमली एक्शन। यहां हैड इफ का काम कर रहा है, यानी इफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैड टेकन टाइमली एक्शन, यदि एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली एक्शन लिया होता तो अ लॉट ऑफ ब्लड शेड कुड हैव बीन सेव्ड। यानी बहुत जो रक्तपात था, रक्त रंजित चीजें थी, उनको बचाया जा सकता था, उनसे बचा जा सकता था। तो सेव्ड के स्थान पे प्रोटेक्टेड होगा, प्रिवेंटेड होगा या एस्क्यूड होगा, क्या होगा? या नो इंप्रूवमेंट होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग। एक व्यक्ति जो हर परिस्थिति में कितना भी कष्ट हो, कितना भी पीड़ा हो, बट उसे इंडिफरेंस शो करता है, यानी उसके प्रति वो तटस्थ रहता है, कामनेस, हर उस अवस्था में वो अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखता है। इस चीज को स्टोइसिज्म कहेंगे, डिस्पेयर कहेंगे, एगोनी कहेंगे या नेचुरलिज्म कहेंगे। जब एक व्यक्ति अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है हर परिस्थिति में, वो परिस्थिति कितनी भी कष्ट, कितनी भी पीड़ा की क्यों ना हो। ओके, सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, कोई ऐसी चीज देखना जो आपके सामने है नहीं बट आपको दिख रही है, वो आपकी इमेजिनेशन है, वो प्रेजम्पशन है, वो हेलुसिनेशन है या सपोजिशन है। सारे अच्छे वर्ड्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो बच्चे प्री और स्पेशली मेंस में अच्छे नंबर पाना चाहते होंगे वो तीन जगह जरूर मेहनत करेंगे, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में और सेंटेंस अरेंजमेंट में। एक आइडिया विकसित करिए धीरे धीरे कि हम क्या कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं. इट इज रियली टू इट इज इजी टू क्रिटिसाइज द पेपर एट द हेल्म. एट द हेल्म मीन्स जो उच्च पदों पर है, बड़े लोग हैं. फॉर द स्लो प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, यानी हर एक क्षेत्र में स्लो प्रोग्रेस के लिए बड़े लोगों को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है. वी आर वेल अवेयर दैट द इंटेलेक्चुअल्स आर लिविंग आवर कंट्री फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. हम जानते हैं कि बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बौद्धिक वर्ग है, वो भारत छोड़कर के दूसरे देशों में जा रहे हैं ताकि उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले. दिस क्वेश्चन रिमेन्स अनएंसर्ड. ये प्रश्न अभी भी अनएंसर्ड है बिकॉज क्योंकि आवर कंट्री कैन नॉट शो अपॉर्चुनिटीज टू द इंटेलेक्चुअल्स. क्योंकि हमारा जो देश है वो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज को कहीं कहीं शायद दे नहीं पा रहा है, उन्हें उपलब्ध नहीं करा पा रहा है. देन व्हाट अबाउट देयर ऑब्लिगेशन टू द मदरलैंड. तो फिर उनकी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसका क्या. फर्स्ट वी शुड आस्क आवर सेल्फ एस्ट. सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए What is happening to the young intellectuals in India? कि भारत में जो young intellectuals हैं, उनका क्या हो रहा है? देख लीजिए क्या सही है. एक कोई क्लू आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाए. Okay. Second sentence element है. Though things are slowly fading away. Looking a little brighter and recession is the job market is still remains a little volatile. Volatile means unstable. तो कर सकते हैं आप इस लेवल पे आपके उसमें प्री में आपके एग्जाम्स में दे जाते हैं आप. Find the correctly spelled word. जो सही है वो चूज करना है कि बुके के स्पेलिंग क्या होती है. बुके के स्पेलिंग कौन से, बहुत आसान है. वॉइस एक्टिव एंड पैसिव. द जनरल प्रेजेंटेड अस अ डिटेल्ड बैटल प्लान. जनरल ने बैटल प्लान का पूरा डिटेल हमको दिया और डिटेल्ड बैटल. देख लीजिए आप कौन सा सही होगा, अपनी क्लूज निर्धारित करिए कौन सा इसमें बेस्ट होगा. चारों ऑप्शंस. आप ऑब्जेक्ट छांटना सीखें. द जनरल प्रेजेंटेड अस. अस जो है ये ऑब्जेक्ट है. अब देखें बी से कोई दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ले लिया गया है. तो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या उसने दिया, और डिटेल्ड बैटल प्लान यानी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया होगा यहां पर क्योंकि बी से एक भी नहीं. फिर उसके बाद टेंस पहचाने कौन सा टेंस है, और अगर आप टेंस पहचान लेते हैं तो आपके लिए वॉइस बहुत बढ़िया है और मेंस में तो बहुत नंबर साफ मिल जाएंगे इसमें. ओके. नरेशन है. दीज डायमंड्स आर पॉलिश्ड हेयर द ज्वेलर सेड टू अस. यानी द ज्वेलर सेड टू अस दीज डायमंड्स आर. आर बता रहा है कि आंसर क्या होगा आपका, खोज लीजिएगा. ओके ओके. And this is closed test. When it comes to thinking about how to be happier, जब इस सोच की बात आती है how to be happier, कि हम कैसे और अधिक खुश रहें, तो many of us dash about taking more vacations. हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम और अधिक छुट्टियां पाएं. Are finding ways to avoid tasks. या फिर हम कार्यों से अपने आप को बचा सकें, उनसे दूर रख सकें अपने आप. 21st 22 आते हैं. वी मे ड्रीम अबाउट डैश हाउस वर्क. हम हाउस वर्क के बारे में सोच सकते हैं. एंड इंस्टीड डूइंग समथिंग फन एंड डैश और कुछ और बेहतर आनंद लेने के बारे में सोच सकते हैं. हाउएवर जो भी हो, टास्क विच डोंट मेक अस हैप्पी, यानी वो कार्य जो हमें खुश नहीं करते हैं, कैन ओवर द टाइम. ओवर द टाइम मीन्स कुछ समय बाद कैन एड अप टू अ मीनिंगफुल लाइफ. वही टास्क हमारे जीवन में रंग भर सकते हैं, हमारे जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं.
इवन रूटीन एक्टिविटीज, यहां तक कि जो रूटीन एक्टिविटीज हैं, जो हमारे दिनचर्या के कार्य हैं, लाइक टॉकिंग ऑन द फोन, जैसे कि फोन पे बात करना, कुकिंग भोजन बनाना, क्लीनिंग साफ सफाई करना, हाउस वर्क घर के कार्य करना, मेडिटेटिंग यानी ध्यान लगाना, ईमेलिंग ईमेल वर्क करना, प्रेइंग ईश्वर की प्रार्थना करना, वेटिंग फॉर अदर्स दूसरों का इंतजार करना, एंड बैलेंसिंग फाइनेंसेस और अपने जो हमारे खर्च वगैरह हैं उनको बैलेंस करना, अपीयर, ये सब चीजें प्रतीत होती हैं टू ब्रिंग मोर डैश टू पीपल्स लाइफ, कि जीवन में लोगों जीवन में और अधिक ले आ रही हैं, बट नॉट हैप्पीनेस इन द मोमेंट, लेकिन वास्तव में ये जो कुछ भी ले आए उन्हें उस समय ये चीजें खुशी लेकर के नहीं आती। ओके, लेट्स ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड प्रूफ, और ये सिद्ध करें कि वी कैन वी विल, कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। दिस इज हियर, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। अब्यूजिंग हिज वाइफ इज वर्स देन एनी सिन अ मैन कैन कमिट इन ऑल हिज लाइफ, क्या गलत है? Abusing his wife, चूंकि यहां a man है, यहां a man, तो his wife सही है आपका। Abusing his wife is worse than, worse comparative degree है तो than सही है, तो abusing his wife is worse than any sin, any sin, आपको याद आ रहा है any sin? If we were comparing two different groups, अगर आप दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तब आप एनी प्लस नाउन लेते हैं, लेकिन अगर एक ही ग्रुप की दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है तो एनी या नो के बाद हमेशा अदर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कहना हो आई एम बेटर देन एनी मैन इन दिस विलेज, तो गांव तो एक ही है आपका ना, तो अगर गांव एक ही है तो आप एक ही ग्रुप ले रहे हैं, तो फिर आपको लेना होगा I am better than any other man in this village. Any other man in this village. यानी वहां any के बाद अदर लेना होगा। अगर मैं कहता in this village I am better than any man in that village, तो सही होता, हम इस गांव के अपने किसी और गांव के दूसरे से कंपेरिजन करें तो वहां होगा। यहां तो अलग अलग ग्रुप्स नहीं है, तो abusing his wife is worse than any other सिन हो जाएगा। अ मैन कैन कमिट इन ऑल हिज लाइफ, यानी एक आदमी अपनी जिंदगी में जितने भी अपराध करता है उनमें से अपनी पत्नी को गाली देना इज वर्स, क्या है, ज्यादा बुरा है देन एनी अदर सिन, किसी भी अन्य पाप की अपेक्षा, यानी किसी भी अन्य पाप की अपेक्षा अपनी पत्नी को गाली देना क्या है, ज्यादा बुरा है, ज्यादा खराब है। तो यहां पर बी पोर्शन मेरर होगा, एनी अदर सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल्स कैन बी हैमर्ड आर क्रश, आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ठीक पहले जो केस है वही केस उसके बाद भी रहेगा। तो अगर आर के पहले कैन बी हैमर्ड है, हैमर यानी पैसिव वॉइस है थर्ड फॉर्म, तो आर के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो मेटल्स कैन बी हैमर्ड आर प्रेशर हो जाए, हो जाएगा, मेटल्स कैन बी हैमर्ड आर प्रेशर, अगर आप इसे प्रेस रखते हैं तो हैमर थर्ड फॉर्म है और प्रेस फर्स्ट फॉर्म है, और ये कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का नहीं होता है, तो आर मजबूर करेगा आपको, आप यहां जो है वही यहां पे ले, आप ही नहीं लिख सकते हैं अ मैन आर इज गोइंग, कभी नहीं। अगर आपने अ मैन लिया आर ओ आर, तो मैन आर के बाद कोई नाउन नहीं आ सकता है, अ मैन आर अ वुमन आ सकता है, अ मैन आर अ बॉय आ सकता है, वैसे आर के पहले अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म है तो आर के बाद भी क्या आएगा, थर्ड फॉर्म है। और ये चीज यही नहीं, ये चीज ईदर डॉट डॉट आर, नीदर डॉट डॉट नार, नॉट ओनली बट आल्सो, बट येट, स्टिल, अदरवाइज, वेयर एज, वाइल, इन सब के साथ, एंड के साथ, बोथ डॉट डॉट एंड के साथ, इस सब के साथ ऐसे ही आता है। तो बराबर कंपैरिजन करें तो हैमर्ड आर प्रेशर हो जाएगा,
ए पोर्शन में गलत होगा। अपना देखते जाइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 19वीं शताब्दी में एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, यानी जो नक्षत्र विज्ञान संबंधित रिसर्च था, वास सही ना, रिसर्च सिंगुलर है तो वास सही है, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च वास फोकस्ड ऑन, सही है, फोकस्ड ऑन द रूटीन वर्क, सही है, ऑफ कंप्यूट, कंप्यूट समझते हैं, कंप्यूट मीन्स गणना करना होता है, यानी यहां जो कंप्यूट है वो वर्ब के रूप में है, तो आप जानते हैं ऑफ एक प्रीपोजिशन है और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद किसी भी सूरत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, हर हाल में आपको नाउन लेना होगा क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है, अगर प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है तो वर्ब का नाउन वाला फॉर्म क्या होता है, यू नो जीरंड, तो अगर जीरंड होता है तो कंप्यूट का क्या हो जाएगा, कंप्यूटिंग हो जाएगा, यानी यहां ऑफ कंप्यूटिंग होगा। तो इन 19th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च वाज फोकस्ड ऑन, यानी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च का जोर था द रूटीन वर्क ऑफ कंप्यूटिंग द मोशंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट थे उनकी मोशंस को कंप्यूट करना, यहां जीरण चाहिए आपके बाद ऑफ कंप्यूटिंग हो जाए। हमेशा याद रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद किसी भी सूरत में, चाहे वो इन हो, एट हो, आन हो, विद हो, जो भी, बियॉन्ड हो, बिसाइड्स हो, इनके बाद एमंग हो, बिटवीन हो, इनके बाद अगर आप वर्ब ले रहे हैं तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, जिसे हम जीरण कहते हैं। ओके, सेंटेंस फिलर है आपके पास, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, टू पार्टी डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट, लाइट रिफ्रेशमेंट हल्का फुल्का जो नाश्ता वगैरह होता है जो आपको तरोताजगी देता है उसको कहते हैं, मीन्स नाश्ता। तो यू आर वेलकम टू पार्टी डैश, अब अगर आपको प्रीपोजिशंस में आपने मेहनत किया हो तो आप कुछ चीजें याद रखें, कौन से शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन हम लगाते हैं, तो पार्टी अगर है तो आप याद होगा पार्टी ऑफ, यानी जब आप किसी के निमंत्रण पर कुछ स्वीकार करते हैं, चाहे लाइट रिफ्रेशमेंट हो, डिनर हो, लंच हो, अगर स्वीकार करते हैं तो यू पार्टी ऑफ, ओ एफ हो जाएगा, यू आर वेलकम टू पार्टी ऑफ देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस फिलर है आपका, We have run dash sugar. We have run, run बता रहा है कि हमारी sugar खत्म हो गई है, क्यों, क्योंकि आगे है देखिए, could you buy, क्या खरीद सकते हो थोड़ा बहुत, तो अगर आप ये run को सिद्ध कर लेंगे sugar के साथ तो आगे आपकी दिक्कत ही नहीं आपकी, क्यों, क्योंकि यहां पे down on है, यहां पे away from है, यहां पे out, मैंने कहा था out, यहां पे out off है और ये off से है, अलग अलग, अगर आपको याद हो अगर आपकी सुगर खत्म हो गई है तो याद करें क्या होगा, रन आउट ऑफ होता है, रन आउट ऑफ मीन्स समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, तम हो जाना। संयोग से जो बच्चे इनकोएटिव वर्ब्स पढ़े होंगे तो याद करें जिस रन मीन्स दौड़ना होता है उसी रन मीन्स होना भी होता है, क्या होना, कमी होना, जैसे आप कहना हो उसके पैसे कम हो रहे हैं तो ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी होता है ना, ये रन जो यहां है ये सुगर से आपको कमी दिखा रहा है तो रन आउट होता है, आउट हो जाएगा, तो वी हैव रन आउट ऑफ सुगर, यानी वी हैव रन आउट ऑफ सुगर, हमारा जो दौड़ की सुगर की वो खत्म हो गई, आउट हो गए हम, अर्थात हमें चीनी की क्या हो गई है, कमी हो गई है, कुड यू बाई सम मोर, इंटरोगेटिव है तो सही, जहां रिक्वेस्ट होता है वहां सम का प्रयोग करते हैं, कुड बता रहा है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड यू बाई सम मोर, सही है, यानी बी ऑप्शन हो जाए। सलाश्री मीन्स अश्लीलता होती है, अश्लीलता जब आपका व्यवहार इनडिसेंट हो जाता है, वल्गर हो जाता है तो हमारे अंदर आपके अंदर सलाश्री आ जाती है, अश्लीलता में धद्धापन आ जाता है, वो अश्लीलता ब्लिश नहीं होता, ब्लिश मीन्स आनंद, स्वर्ग का जो आनंद होता है उसे ब्लिश कहते हैं आप, वो अश्लीलता डिप्रेशन नहीं होता है,
If you have lost your what patience, you have just entered your depression. Means आप जब निराशा के दौर में पहुंच जाते हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं. सलाशरी करप्शन नहीं होता है. करप्शन भ्रष्टाचार को कहते हैं. सलाशरी क्या होती है? इनडिसेंसी होती है, अश्लीलता. मीन्स जब आपके अंदर तमीज न हो, आपके अंदर गलत भावनाएं आ जाती हैं, तो उसे हम इनडिसेंसी कहते हैं. सलाशरी का इनडिसेंसी. करप्शन मिलता जुलता है लेकिन उससे बेहतर इनडिसेंसी होगा, तो सलाशरी का इनडिसेंसी. टेनेशरी मीन्स हट या जिद. जब कोई बच्चा किसी चीज के प्रति डिटरमिंड हो जाए कि यही करना है तो करना है, उसका हट कर ले, यानी इफ समवन हैज व्हाट टेकन डिटरमिनेशन दैट ही वुड लाइक टू डू ओनली दिस, कि वो केवल यही कार्य करेगा, तो उसके अंदर एक प्रकार की टेनेसिटी आ जाती है. तो इफ टेनेसिटी इज अ काइंड ऑफ डिटरमिनेशन, तो एबिलिटी से इसका कोई मतलब नहीं. एबिलिटी में से योग्यता होती है. डिस्पेयर से इसका कोई मतलब नहीं. डिस्पेयर में निराशा होती है. इष्टबॉर्नेस, याद करें, इष्टबॉर्न मीन्स हट्टी या जिद्दी होता है, तो इष्टबॉर्नेस मीन्स हट या जिद हो जाएगा, यानी टेनेशरी का सिनोनिम इष्टबॉर्नेस हो जाएगा. रफनेस होगा नहीं, रफ से बनाए खुरदरापन, या जब कोई खराब व्यवहार करता है वो उसका रफनेस कहलाता है. तो टेनेशरी हट या जिद, तो इष्टबॉर्नेस हट या जिद होता है. एंटोनिम्स हैं सेसेशन. जब कोई चीज सेसेशन होता है, मीन्स उसका अंत हो जाता है, उसकी समाप्त हो जाती है, उसका एक एंड हो जाता है. तो अगर सेसेशन मीन्स एंड ऑफ समथिंग होता है, तो कमेंसमेंट मीन्स द स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग होता है. तो सेसेशन का एंटोनिम हो जाएगा कमेंसमेंट, शुरुआत, आरंभ, जबकि सेसेशन मीन्स अंत होता है. रिन्यूअल समझते हैं कि इफ यू आर एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ सम लाइसेंस टाइप थिंग, यानी किसी लाइसेंस या किसी चीज की वैलिडिटी के टाइम को आप बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो वह रिन्यूअल होता है. मीन्स फिर से उसको वैलिड कर देना. ऑनगोइंग, जो चीज कंटिन्यू हो, जारी हो. और इंटरप्शन, इंटरप्ट से बना है, दखलंदाजी, हस्तक्षेप. तो सेसेशन का एंटरिंग कमेंसमेंट हो जाएगा, शुरुआत. सेसेशन मीन्स अंत, समाप्ति. नेक्स्ट एंटोनिम है प्रोक्रेस्टिनेट. प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है? इफ यू आर डिलेइंग समथिंग, यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट वांट टू शो योर विलिंगनेस. आप अपनी इच्छा नहीं प्रदर्शित कर रहे हैं, आप टाल मटोल कर रहे हैं, हीला हवाली कर रहे हैं, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स टाल मटोल करना, डिले करना. तो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा. एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग करना. वो एक्सक्लूड नहीं होगा, किसी चीज को, किसी तत्व को, किसी चीज से, ग्रुप से बाहर निकाल देना. वो एक्सपेडाइट हो जाएगा. एक्सपेडाइट, एक्स मीन्स आउट होता है और पेड मीन्स पैर होता है. जब आप अपनी टांगे, अपने पैर हटा देते हैं, तो सामने वाले की गति क्या हो जाती? बढ़ जाती है. जबकि जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आप रोक रहे हैं, हीला हवाली कर रहे हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेट का जो एंटोनिम होगा वो एक्सपेडाइट हो जाएगा. डिले इसका सिनोनिम हो जाएगा. तो प्रोक्रेस्टिनेट, एक्सपेडाइट. दसवें पे आ गए हैं और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपके. गिव वन सेल्फ द एयर. एयर सोच लीजिए ना, अक्सर आप ऐसे कहते हैं, उसे इस चीज की हवा लग गई है, यानी वो है नहीं, जो दिख रहा, जो दिखा रहा है वो है नहीं. तो गिव वन सेल्फ द एयर मीन्स बहानेबाजी कर, वो दिखाना जो वो है नहीं. तो गिव वन सेल्फ द एयर मीन्स प्रिटेंड्स टू बी, यानी बहाना बना, शो ऑफ करना. इंजॉयस डे नहीं हुआ. ट्राइंग टू हाइड द फैक्ट दैट इज, ये फैक्ट जो है, ये थोड़ा सा आपको इससे अलग कर दे रहा था, नहीं तो सही हो सकता था. आप उस तथ्य को छिपा रहे जो आप हैं, लेकिन ये सही. प्रिटेंड्स टू बी मीन्स बहाने करना, शो ऑफ करना. बोस्ट तो होगा नहीं, घमंड करना मीन्स डिंगे हांफना होता है. तो गिव वन सेल्फ द एयर प्रिटेंड्स टू बी, बी हो सकता था, लेकिन उससे बेहतर सी है आपका. टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, अगर आप किसी के घर जाते हैं, वो आपको कुछ खाने को देता है और आपको उस पर शक होता है कि कुछ गड़बड़ है,
यू आर स्मेलिंग द रैट, यानी आपको कुछ शक हो रहा है, तो यू आर टेकिंग विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट, अर्थात टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। कहीं कहीं कुछ आपके मन में है, उसके बावजूद उस चीज को आप स्वीकार कर रहे हैं, यानी किसी चीज को संदेह के साथ, शक के साथ क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना, रिजर्व होकर के उस चीज को स्वीकार कर लेना, ये टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट होता है। तो टू एक्सेप्ट विद मिस, इनमें से ये बेस्ट था, इसलिए आपने चौथा चूज किया है। इसका और भी अर्थ हो सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देयर आर सम पीपल हु डाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनीथिंग दे सी इन अ न्यूज़पेपर। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? जब एक व्यक्ति क्रेडिबल होता है तो किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा कर लेता है। ये नहीं, ये तो न्यूज़पेपर की सत्यता की बात कर रहा है कि वो कुछ भी लिखा हो, उसमें कुछ भी देखते हो न्यूज़पेपर में, उस पर वो भरोसा कर लेता है। तो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो क्या है, वो पॉसिबिलिटी भी नहीं, पॉसिबिलिटी में संभावना, वो वेरासिटी, वेरासिटी मीन्स सत्यता, सही बातें, यही अर्थ होगा। देर आर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं हु डाउट, जो शक करते हैं, संदेह करते हैं, किस चीज पर, द वेरासिटी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की सत्यता पर, दे सी इन अ न्यूज़पेपर, जो उस न्यूज़पेपर में देखते हैं, यानी जो कुछ भी वो उस न्यूज़पेपर में देखते हैं, हर उस एक चीज पर वो उसकी सत्यता पर, उस चीज की सत्यता पर उन्हें क्या होता है, डाउट होता है। यहां वेरासिटी आपका बेस्ट है। एग्जिस्टेंस कोई मतलब नहीं, एग्जिस्टेंस तो बड़ा वर्ड है, अस्तित्व के सेंस में आप यूज करते हैं। तो देर आर सम पीपल हु डाउट द वेरासिटी ऑफ एनीथिंग बी हो जाए, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अ लॉट ऑफ ब्लड शेड कुड हैव बीन सेव्ड, बहुत अधिक ब्लड से बचाया जा सकता था। सर शेव नहीं करेंगे आप, उस चीज से बचना चाहेंगे, उस चीज को रोकना चाहेंगे कि ब्लड शेड न हो, यानी रक्तपात न हो। तो अगर उस चीज को आप रोकना चाह रहे हैं, ब्लड शेड को, तो आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहे, सुरक्षित कर रहे, ऐसा नहीं करना चाहेंगे आप उसे प्रिवेंट करना चाहेंगे, मीन्स रोकना चाहेंगे। किसी भी घटना को होने से पहले अगर आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। एस्यूमेंस परहेज करना, दूर रहना, आप उसे दूर नहीं रहना चाहेंगे, बल्कि ब्लड शेड को क्या करना चाहेंगे आप, प्रिवेंट करना चाहेंगे। तो सेफ के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्रिवेंट डेथ हो जाएगा। वन वर्ड सब्सक्रिप्शंस है, कॉमनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार की सफरिंग के प्रति इंडिफरेंस रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कामनेस शो करते हैं, शांत रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। काश हम आप भी ऐसे हो जाते, कुछ भी होता रहता, चलते रहते अपना जिंदगी भर, तो कितना बढ़िया होता। यहाँ ऐसे से तैयारी करना, ये करना, वो करना, परेशान हो जाया करते हैं। तो कॉमनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की सफरिंग के प्रति इंडिफरेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह व्यक्ति स्टोइक कहलाता है। और उस व्यक्ति का जो वो संयम है, वो स्टोइसिज्म कहलाता है, यानी संयम, यानी धैर्य आपका, अर्थात एक तपस्विता। जब आप पे किसी भी प्रकार की सफरिंग का कोई फर्क न पड़ता हो, उसे स्टोइसिज्म कहते हैं। डिस्पेयर आप तीसरी बार पढ़ रहे, निराशा। एगोनी क्या होता है, मानसिक कष्ट। जब आपको मानसिक कष्ट होता है तो वो एगोनी होता है, कहीं से कोई मतलब नहीं। मैटेरियलिज्म क्या होता है, भौतिकवाद। जब आप इस दुनिया के भौतिकवाद में खो जाते हैं, तो आप मैटेरियलिज्म में खो जाते हैं। तो कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, जब किसी प्रकार के कष्ट के प्रति कोई भावना आपके मन में ना हो, तो आप स्टोइसिज्म, संयमी हो गए, संयम दिखा रहे हैं आप। सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। मैं बच्चों को बताता हूं, सबसे छोटा जो भ्रम होता है वो आपका सस्पिशन होता है, संदेह। वो संदेह जब बड़े भ्रम में बदलता है तो वो इल्यूजन हो जाता है, बड़ा भ्रम। उस इल्यूजन से भी जो बड़ा भाई उसका है, वो डेल्यूजन हो जाता है, और बड़ा भ्रम। लेकिन जब बड़ा भ्रम बदल करके सामने दिखाई देने लगे, वो जो है नहीं, तो वो हेलुसिनेशन हो जाता है। दिस इज हियर हेलुसिनेशन। Seeing something, यानी किसी ऐसी चीज को देखना, which is not actually present, जो आपके सामने है ही नहीं।
मैकबेथ जब किंग डंकन को मारने चाह रहा होता है और कहीं कहीं घबराहट महसूस करता है तो एक डैगर, एक खंजर उसकी तरफ उसको सामने दिखाई दे रही होती है। वास्तव में वो है नहीं, लेकिन चूंकि वो उसी के बारे में सोच रहा है इसलिए उस सामने उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसके सामने है। दिस इज दृष्टि भ्रम, मीन्स हलुसिनेशन। इमेजिनेशन आप जानते हैं केवल कल्पना होती है आपकी। प्रिजम्पशन क्या होती, आपकी धारणा, आपकी सोच जो है वो प्रिजम्पशन, ये प्रिज्यूम से बना है। सपोजिशन क्या होता है, ये भी आपकी अवधारणा, जो चीज आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है वो सपोजिशन सपोज से बना है। तो सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, हलुसिनेशन, दृष्टि भ्रम। ये वर्ड कई बार स्पेलिंग एरर में भी आपको दिया गया है, HALUCINATION, हलुसिनेशन मीन्स दृष्टि भ्रम। सेंटेंस अरेंजमेंट, इट इज इजी टू क्रिटिसाइज द पीपल एट द हेल, यानी एट द हेल जो शिखर पर है बड़े लोग हैं उनकी आलोचना करना बहुत आसान है। फॉर द स्लो प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, कि हर फील्ड में स्लो प्रोग्रेस हो रही है। वी आर वेल अवेयर दैट द इंटेलेक्चुअल्स आर लीविंग आवर कंट्री फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कहीं भी पढ़ करके आप नहीं लगेगा इसका रिलेशन इस पहले वाले सेक्शन से है, इसे अभी छोड़ते हैं। दिस क्वेश्चन रिमेन्स, अभी हमने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया है तो फिर क्यों कैसे आ जाएगा पहले। देन व्हाट अबाउट देयर ऑब्लिगेशन टू द मदरलैंड, फिर उनके मदरलैंड के पर जो जिम्मेदारी उसका क्या। अब व्हाट अबाउट देयर ऑब्लिगेशन टू द मदरलैंड, ये क्वेश्चन मार्क बता रहा है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन किया जा रहा है इसका मतलब यहां पे है दिस क्वेश्चन रिमेन्स अनएंसर्ड। जब भी आएगा आर के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। चलिए और भी देख लेते हैं। फर्स्ट वी शुड आस्क आवर सेल्फ, सबसे पहले हमें खुद से पूछना चाहिए एस्ट्रो कि व्हाट इज हैपनिंग टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, कि भारत में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं, यानी ये हमसे पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। लेकिन ये पता है हमको कि आर के बाद क्यू आए, देखें किसमें आर के बाद क्यू है, आर के बाद एस है, आर के बाद पी है, आर के बाद क्यू है, यहां पी एस है, यहां एस पी है। अब हमारे पास दो आर के बाद क्यू है, आर के बाद क्यू है, इन्हीं दो में से होना है। अब हम ये देखें पहले पी आ रहा है या पहले एस आ रहा है, तो मैंने कहा पी तो कभी नहीं आया क्योंकि ये बताया गया कि इंटेलेक्चुअल्स जो है वो भारत को छोड़कर जा रहे हैं, अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर ये पहले आएगा ना। फर्स्ट वी शुड आस्क आवरसेल्फ, सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए तो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, कि भारत में जो यंग इंटेलेक्चुअल है उनके साथ क्या हो रहा है, तभी वो भारत छोड़ेंगे। यानी एस पहले आएगा, और अगर एस पहले आएगा और आर क्यू कॉम्बिनेशन है तो आपको पता है कि एस ए आर क्यू हो जाए। अब सब मिलाते हैं, इट इज इजी टू क्रिटिसाइज द पीपल एट द हेल फॉर द स्लो प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, ऐसे लेते हैं। फर्स्ट यानी सबसे पहली चीज, वी शुड आस्क आवर सेल्फ, हमें खुद से पूछना चाहिए एज टू व्हाट इज हैपनिंग टू द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, कि भारत में जो यंग इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है भारत में। पी है, अब देखिए मिल जाएगा। वी आर वेल अवेयर, और हमें ये अच्छी तरीके से पता है दैट की द इंटेलेक्चुअल्स, अब देखिए रेफरेंस मिल चुका इंटेलेक्चुअल्स, तो वी आर वेल अवेयर दैट द इंटेलेक्चुअल्स आर लिविंग आवर कंट्री फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हो गया। यानी एस के बाद पी हो गया और आर क्यू है ये आपका, यानी डी ऑप्शन हो जाए। ये तरीका है आपका, पढ़े पहले समझे और फिर उन्हें मिलाने की कोशिश करें कौन सा ऐसा है जो इससे मैच कर रहा है, और अगर लास्ट दिया होता है छठवां पोर्शन तो कौन सा उससे मैच कर रहा है, कौन से दो पॉइंट्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, इस तरह आप बेहतर कर सकते हैं। दो थिंग्स आर, अब ए भी हो सकता है, दो थिंग्स आर स्लोली फेडिंग अवे, सही हो सकता है, दो थिंग्स आर ये भी हो सकता है लुकिंग अ लिटिल ब्राइट, दो थिंग्स आर एंड ये तो कभी नहीं हो, आर कभी नहीं हो, दो थिंग्स आर द जॉब कभी नहीं हो। अब हमको 50-50 हमारे पास है कि इन्हीं दो में से कुछ होगा। चलिए सबसे पहले पहला लेते हैं, दो थिंग्स आर यानी पी,
पी से हमारे पास दो है, तो पी के बाद क्यू है, पी के बाद आर है. दो थिंग्स आर स्लोली फेडिंग अवे लुकिंग अ लिटिल ब्राइटर, कभी नहीं होगा, यानी ये पी क्यू कभी नहीं होगा. दो थिंग्स आर स्लोली फेडिंग अवे, और फिर आपका आर है, स्लोली फेडिंग अवे एंड रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट समझते हैं मंदे, एंड रेसिस्टेंट इज द जॉब मार्केट, कभी नहीं होगा, यानी ये दोनों नहीं होगा, पी से कभी नहीं होगा. और अगर पी से नहीं होगा तो फिर हर हाल में क्यू से होगा. एक और चीज, ये जो रेसिस्टन इज है ये इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि रेसिस्टन मंदी होती है तो मंदी धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है. दिस इज नाउ दो थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल ब्राइट, यद्यपि जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आशा जगा रही हैं, फिर भी एंड रेसिस्टन है, और जो मंदी है स्लोली फेडिंग अवे, और जो मंदी है वो धीरे धीरे दूर हो रही है, लेकिन द जॉब मार्केट इज स्टिल रिमेन्स अ लिटिल वोलेटाइल. एंड जो जॉब मार्केट, जो रोजगार की समस्या है, वो अभी भी कहीं कहीं रोजगार जो है वो उसकी मार्केट वोलेटाइल और स्थिरता का शिकार है. आप अगर ध्यान देखेंगे ना, आप केवल एस के द्वारा भी तय कर सकते थे. आपको पता है ये कि इन तीनों में से किसी के बाद भी ये ऑप्शन अ लिटिल वोलेटाइल नहीं आया, लेकिन इसके बाद आएगा. The job market is still remains a little volatile, है ना? कि जो job market है वो अभी भी क्या है, a little volatile. यानी जब भी आएगा S last में आएगा. देखें कितने हैं, तीन last में है. और ये आपको पता है कि Q आपका पहले आएगा, दो things are. तो Q पहले और last में S, QP और QR मिला लें तो thing, दो things are looking a little brighter and यानी QR आएगा, QR हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर. इसी फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बुके की स्पेलिंग क्या होती है, बना लें BOUQUET बुके, बुके मीन्स गुलदस्ता. चलिए आगे बढ़ते, दिस इज वैस, और इसी कर सकते हैं. इतने बड़े बड़े वैस की क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वैस, आपको देख के लगेगा बहुत कठिन है बाबू, लेकिन बहुत आसान है, आप सोचेंगे तो बहुत आसान है. कैसे देखें, द जनरल ये सब्जेक्ट हो गया, द जनरल प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड पास्ट इंडेफिनिट दिखा रहा है वर्ब का. अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो मेरी लाइनें याद कर ली जो मैंने अपने से बनाई. कोई भी इंडेफिनिट है वो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, कोई भी कंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग जुड़ जाएगा. कोई भी परफेक्ट है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, और कोई भी मॉडल है मॉडल प्लस बी हो जाएगा. ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट यानी हमको पास्ट कंटिन्यूअस में जाना है, तो जनरल या इसके हिसाब से हमें वास वर्ब लेना है. और डिटेल्ड बैटल प्लान विल बी, ये आसानी देखी होगी, एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए. द जनरल प्रेजेंट्स अश और डिटेल्ड बैटल प्लान, ये तो वही है एक तरह से, आपका उतार दिया गया मैटर ही नहीं. और डिटेल्ड बैटल प्लान वाज, है ना, वाज प्रेजेंटेड टू अस बाय द जनरल. ध्यान से देखिए, टू अस लिया गया क्यों, क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो आपको टू या फार का प्रयोग करना पड़ेगा. तो डिटेल्ड बैटल प्लान वाज प्रेजेंटेड टू अस बाय द जनरल, सही है. चौथा ब्रेक लेते हैं, अब यही गलत हो गया. प्रेजेंटिंग ऑफ अ डिटेल प्लान, हमारा दो ऑब्जेक्ट था, द जनरल प्रेजेंटेड, जनरल ने प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट किया, अ डिटेल्ड बैटल प्लान, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. किसे प्रेजेंट किया, हमें, या इनडायरेक्ट हो गया. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना नहीं एक भी ऑप्शन, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनेगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ डिटेल्ड बैटल प्लान, यही ना, अ डिटेल्ड बैटल प्लान. पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, बट थर्ड फॉर्म टू अस यानी सी ऑप्शन हो जाए. द ज्वेलर सेड टू अस, उसने हमसे कहा, दीज डायमंड्स आर पॉलिश्ड हियर. आप अगर ध्यान से देखेंगे, दीज नियरनेस शोविंग वर्ड, यानी दीज का क्या होना है, दोज. डायमंड्स आर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी आर का वास वर्ब में आप चेंज करेंगे. पॉलिश्ड हियर, हियर क्या है, नियरनेस शोविंग वर्ड है, हियर का देयर हो जाए. देश का दोज होगा, आर का वर हो जाएगा, और हियर का देयर. द ज्वेलर इन्फॉर्म्ड अस दैट
दीज अभी आउट करते हैं. द ज्वेलर इन्फॉर्म अस दैट दोज डायमंड्स वर पॉलिश्ड देयर. बिल्कुल देखिए, दीज का दोज किया गया है, आर का वर किया गया है और हेयर का देयर, सही है. और देख लेते हैं, द ज्वेलर इन्फॉर्म अस दैट दोज डायमंड्स वर पॉलिश्ड, सही है. लेकिन यहां देखिए, हियर को हियर ही रखा गया है तो ये यहां गलत हो गया. द ज्वेलर इन्फॉर्म्ड अस दैट दीज, यहीं पे गलत हो गया, बढ़िया ही नहीं. यानी द ज्वेलर इन्फॉर्म्ड अस दैट दोज डायमंड्स वर पॉलिश्ड देयर, सब सही है. बी पोर्शन. एंड दिस इज लास्ट सेगमेंट ऑफ माय प्रैक्टिस सेट, थर्ड क्लोज टेस्ट पैसेज. बढ़िया है, अच्छा लगे. अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो आपको निश्चित ही क्लोज टेस्ट में आनंद आएगा कि हम इस सीख रहे हैं, पहले से हम बेहतर हो रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. When it comes to thinking, जब ये सोचने की बात आती है about how to be happier, कि किस तरीके से हम और अधिक खुश हों, तो many of us, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, fantasize करते हैं, कल्पना करते हैं. हमें से बहुत सारे लोग रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं. हमें से बहुत सारे लोग डाउनसाइज करते हैं, मेंटेन डिग्रेड करते हैं. हमें से बहुत सारे लोग सिंथेसाइज करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं. कतई नहीं, ये दो तो नहीं होगा, डाउनसाइज और सिंथेसाइज, दो में से अलग, फैंटेसाइज और रियलाइज. तो व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग अबाउट हाउ टू बी हैप्पियर, हाउ टू बी हैप्पियर, कि हम किस तरीके से और अधिक खुश हो जाएं, तो मेनी ऑफ अस डैश अबाउट टेकिंग मोर वैकेशन. तो हमें बहुत सारे लोग और अधिक छुट्टियां चाहते हैं, आर फाइंडिंग वेज टू अवॉइड टास्क, ताकि और कार्यों से बचना चाहते हैं. क्या और अधिक छुट्टियों को प्राप्त करना क्या रियलाइज करना है, क्या एहसास करना है, या वास्तव में आप उनकी क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं. क्या काश आपको और छुट्टियां मिल जाए, जो आप सोच रहे हैं वो रियलाइज है. रियलाइज तो रियल से बना, रियल मीन्स वास्तविक. जब आप किसी चीज को रियलाइज कर लेते हैं तो आपको वास्तविकता का एहसास होता है, तो रियलाइज नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, फैंटेसाइज, में कल्पना करना, काल्पनिक दुनिया में रहना. तो व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग अबाउट हाउ टू बी हैप्पियर, मेनी ऑफ अस फैंटेसाइज, हो जाएगा फैंटेसाइज अबाउट टेकिंग मोर वैकेशन, वो चाहते हैं और अधिक छुट्टियां उन्हें मिली होती, और फाइंडिंग वेज, या फिर उन्हें इस तरीके के तरीके होते उनके पास टू अवॉइड, ताकि वो बच सकते हैं. किस चीज से बच सकते हो, एक्साइटिंग टास्क से बच सकते हो, मीन्स ऐसे कार्य जो उन्हें और एक्साइट करें, या मंडेन टास्क से बच सकते हो, नीरस कार्यों से बच सकते हो, या फ्रेश टास्क या स्पेशल. देखिए, एक्साइटिंग, फ्रेश और स्पेशल टास्क से कोई कैसे बचना चाहे, क्यों बचना चाहे. अगर कोई टास्क एक्साइटिंग है तो आपको उसे मन लगेगा, अगर कोई टास्क आपका फ्रेश है तो आपको और मन लगेगा, अगर कोई टास्क स्पेशल है तो आपका और मन लगेगा. तो आप सोच के देखें, फिर वो कैसे कार्य से बचना चाहेगा, मंडे नीरस बेकार सांसारिक कार्यों जो उसे बोर कर देते. अब आप ध्यान देखें, ये दोनों तीनों पॉजिटिव वर्ड्स थे, एक्साइटिंग, फ्रेश और स्पेशल. उसने उन्होंने केवल एक वर्ड आपको समझाने को दिया, जो बच्चा मीनिंग जानेगा वो समझ जाएगा, जो इसके अर्थ को समझेगा वो और बेहतर समझ जाएगा. तो पूरा देख लेते हैं. When it comes to thinking about how to be happier, many of us fantasize about taking more vacations or finding ways to avoid mundane tasks. We may dream, हम सपने देख सकते हैं, सोच सकते हैं about किस चीज के सपने देख सकते हैं, housework वगैरह के. तो we may dream about skipping housework, कि काश कि हम अपने घरेलू कार्यों से बच जाते, सोच सकते हैं ना. वी मे ड्रीम अबाउट इंटरलोपिंग, इंटरलोप में दखल देना, तो हाउस दखल देने क्या मतलब, यहां पे हटा दें इसको. वी मे ड्रीम अबाउट क्लिपिंग हाउसवर्क, हाउसवर्क को क्लिप कर देते, पता ही नहीं. वी मे ड्रीम अबाउट अनरैपिंग हाउसवर्क, हाउसवर्क को अनरैप कर देते, रैपर हटा देते, गलत है ना, अस्पष्ट है, स्किपिंग कुछ है. We may dream about skipping housework. हम इस सपने देख सकते हो कि हम कार्यों से अपने आप को स्किप कर ले रहे हैं, दूर कर ले, बचा ले रहे हैं.
एंड इंस्टेड डूइंग समथिंग, और इनके बजाय कुछ ऐसा कर रहे हो जो फन, एंड फन बता रहा है कि फन के साथ रिग्रेटेबल नहीं आए, रिग्रेटेबल नेगेटिव वर्ड है जिसपे रिग्रेट करना पड़े, इमिटेबल नहीं आएगा, इमिटेबल जिसकी नकल करते हो आप, एक्सक्यूजेबल नहीं आएगा, नेगेटिव वर्ड है जिसपे एक्सक्यूज किया जा सकता हो, पता है आपको क्या आएगा, फन एंड प्लेजरेबल आएगा, अर्थात वी मे ड्रीम अबाउट स्किपिंग हाउस वर्क, हो सकता है हम सपने देखते हो या देखें कि हम काम करने से बच जाएं, एंड इंस्टीड और इसके बजाय डूइंग समथिंग फन एंड प्लेजरेबल, हम क्या करें कुछ फन और प्लेजर का काम करें, हाउएवर जो भी हो टास्क्स विच डोंट मेक अस हैप्पी, यानी वो कार्य विच डोंट मेक अस हैप्पी, जो हमें प्रसन्न नहीं करते हैं, खुश नहीं करते हैं, वो टास्क्स कैन, अभी समझिएगा टास्क की हेल्पिंग वर्ब है कैन, ओवर द टाइम जैसे जैसे समय बीतेगा, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वो कार्य कैन एड, वो कार्य हमें कहीं कहीं एडअप कर सकते हैं टू अ मीनिंगफुल लाइफ, अर्थात हमारे जीवन को किसके बराबर बना सकते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ के, अर्थात एक क्या कह सकते हैं सार्थक जीवन, यानी फिर देखें हाउएवर जो भी हो टास्क विच डोंट मेक अस हैप्पी, वो कार्य जो हमें खुश नहीं कर सकते हैं, ओवर द टाइम समय बीतने के साथ साथ कैन एड अप टू अ मीनिंगफुल लाइफ, जैसे समय बीतेगा शायद वो हमारे जीवन को क्या बना दें सार्थक बना दें, इवन रूटीन एक्टिविटीज, यहां तक कि जो हमारी रूटीन एक्टिविटीज होती दिनचर्या के जो काम होते हैं रोजमर्रा के काम होते हैं वो रूटीन एक्टिविटीज लाइक टॉकिंग ऑन द फोन, जैसे कि हम फोन पे बात करते हो, कुकिंग भोजन पकाते हो, क्लीनिंग साफ सफाई करते हो, हाउसवर्क घरेलू कार्य करते हो, मेडिटेटिंग प्रार्थना करते हो, ईमेलिंग ईमेल वगैरह करते हो, प्रेइंग प्रार्थना करते हो, वेटिंग फॉर अदर्स दूसरों का इंतजार करते हो, एंड बैलेंसिंग फाइनेंसेस, और जो हमारे फाइनेंसेस जो धन संबंधी अर्थात जो हमारे खर्चे संबंधी चीजें उनको बैलेंस करना, ये सारे जो रूटीन एक्टिविटीज हैं, ये सारे जो दिनचर्या के काम हैं अपीयर प्रतीत होते हैं, क्या प्रतीत होते हैं टू ब्रिंग मोर, कि और अधिक हमारे अंदर ले आ रहे हैं, क्या ले आ रहे हैं पीपल लोगों के जीवन में क्या ले आ रहे हैं, ये मीनिंग ले आ रहे हैं उनके जीवन में, कुछ सार्थकता भर रहे हैं उनके जीवन में, कुछ डिनोटेशन भर रहे हैं, डिनोट में समझते होंगे किसी चीज को इशारा करना, सुझाव देना, समझाना, तो फिर डिनोटेशन का यहां कोई मतलब नहीं, वो इन्फ्लुएंस ले आ रहे हैं हमारे जीवन में, निष्कर्ष प्रदान कर रहे हैं कतई नहीं, हमारे जीवन में कोटेशन ले आ रहे हैं, उद्धरण ले आ रहे हैं कतई नहीं, वो ऐसे कार्य जो रूटीन एक्टिविटीज हैं ये हमारे जीवन को क्या प्रदान करती है, मीनिंग प्रदान करती है, एक सार्थकता प्रदान करती है, एक साथ देख लेते हैं, वी मे ड्रीम अबाउट स्किपिंग हाउस वर्क एंड इंस्टेड डूइंग समथिंग फन एंड प्लेजरेबल, हाउएवर जो भी हो टास्क्स विच डोंट मेक अस हैप्पी कैन ओवर द टाइम कैन एड अप टू अ मीनिंगफुल लाइफ, इवन रूटीन एक्टिविटीज लाइक टॉकिंग ऑन द फोन, कुकिंग, क्लीनिंग, हाउसवर्क, मेडिटेटिंग, ईमेलिंग, प्रेइंग, वेटिंग फॉर अदर्स एंड बैलेंसिंग फाइनेंसेस, ये रूटीन एक्टिविटीज अपीयर प्रतीत होती है टू ब्रिंग मोर मीनिंग टू पीपल्स लाइफ, कि ये लोगों के जीवन में और अधिक सार्थकता ले आ रही है, बट लेकिन नॉट हैप्पीनेस इन द मोमेंट, लेकिन उस समय आपको क्या नहीं दे रही होती है, वो खुशी नहीं दे रही होती, जैसे हम ये रूटीन वर्क कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस सेट कराते हैं, दिन भर पढ़ाना, फिर उसके बीच में जितना भी टाइम मिलना वो सब क्या करना, ये रिकॉर्डिंग करना, एडिट करना, फिर उसे अपलोड करना, फिर रात में बैठना उसे देखना कि क्या बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरीके का उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, ये सब कुछ देखना, फिर घर पर जाना, फिर रूटीन वर्क, आज हमें रूटीन वर्क लग रहा है लेकिन हम जानते हैं कि इस समय भले हमें ये इतनी खुशी ना दे रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका हमको भी और जो बच्चे सफल हो जाएंगे उनको भी क्या मिलेगा, इसका फन मिलेगा, खुशी मिलेगी, दिस इज हियर द प्राइस, ध्यान रखिएगा क्लोज टेस्ट तभी आप अच्छा कर पाएंगे यदि आप उसको अच्छे से अर्थ समझ पा रहे हो और उसकी मीनिंग्स आप अच्छे से समझ पा रहे हो,
क्लोज टेस्ट निश्चित कर लिया। इसके लिए अधिक से अधिक एडिटोरियल्स पढ़ें, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, चीजों को समझने की कोशिश करें। समझने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार करें, टेंस और मॉडल्स अच्छे से तैयार करें। ये चीजें आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर से 8 बजे मैं रहूंगा। और जाने से पहले फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 20 के ऊपर जा रहे हैं, जो 15 से 20 के बीच में हैं, जो 15 से कम हैं, जरूर बताएं मुझे अपने कमेंट करके, ताकि उससे मुझे पता चले आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। और सबसे बड़ी चीज, आपको पता चलेगी कि आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है, क्योंकि आज से एग्जाम्स आपके शुरू हैं 4 तारीख से, और ये सब चीजें आप रिविजन करें, मेहनत करें, निश्चित ही आपको फायदा होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थकमिंग एग्जाम्स, जिस तारीख को भी आपको पढ़ रहा हो, आप सबको मेरी दिली शुभकामनाएं हैं। आप जरूर सफल हो, ताकि अपने माता पिता के कंधे जो बोझ है उसे आप कम कर सकें। थैंक यू।